है अध्यक्षवाणी सुनाए ठीक ओम शांति 31/12/2009 की अभ्यक्तवाणी है हेडिंग दिया है नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर नेचुरल बनाओ आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है न्यू ईयर नया साल तो निमित्त मात्र है लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है तीन बधाइयां दे रहे हो एक अपने नए जीवन की बधाई और दूसरी नए युग की बधाई और तीसरी परिवार और बाप से मिलन मनाने की बधाई तो आपके नैनों में क्या घूम रहा है अपना नवयुग सामने आ रहा है ना दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया नए युग की चमकीली देख इतना सामने स्पष्ट है कि आज हम संगम युग पर हैं और जल्दी से ये चमकीली ड्रेस पहननी है ऐसी ड्रेस सामने देख करके खुश हो रहे हैं विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं किस बात की बधाई नए युग की ऐसी बधाई जिसमें अव्यक्त फरिश्ता की स्टेज सामने दिखाई दे रही है जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं तो वो साल भूल जाता है और नया साल ही सामने आता है ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं और पुरानी दुनिया को बधाई की बजाय विदाई दे रहे हैं तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार की विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है शॉर्ट में यही कहें कि अप्राप्ति कोई भी वस्तु की नहीं नई दुनिया में
ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात में दे दी है। आपको नशा भी है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई भी नहीं दे सकते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को ये डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को ये बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गुच्छ दो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सम्मान का खजाना, कितने खजाने हैं। तो सभी को कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उनों का जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हो कि चारों ओर दुख और अशांति बढ़ रही है, चारों ओर भय और चिंता हरेक में व्याप्त हो रही है। ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम ये संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं और अब से अविनाशी वर्ष के अधिकारी बन जाओ। ये संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं तो अपने भाई बहनों को ये संदेश की गिफ्ट जरूर दो। क्या? कि बाप आए हैं, ये गिफ्ट लिए बगैर कोई भी न रह जाए। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना तो अपने ही भाई बहनों को ये गिफ्ट का संदेश जरूर दो कि कोई भी नहीं रहे। कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देख करके खुश हैं, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से वंचित न रह जाए। क्या? मेरा कोई भी बच्चा किसका? बाप दादा का। बाप दादा का? बाप दादा दो हैं या एक है? हैं? पर्सनालिटी एक है या दो हैं? पर्सनालिटी एक है और आत्माएं? आत्माएं दो हैं। तो कौन से बच्चों को संदेश देने की बात है खास? है? अरे कौन से बच्चे हैं बाप के? 500 करोड़ हैं, 4.5 लाख हैं, 9 लाख हैं, कम ज्यादा हैं? 4.5 लाख हैं। 4.5 लाख रुद्रमाला है या रुद्र और विजय माला दोनों है? है? 4.5 लाख में है?
संदेश बाप दादा के बच्चों को देना की बात आई है, बोल के चुप हो गए। तो आपको लेना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला, इसलिए इस नए साल में यही प्रयत्न करो और आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना नहीं रह जाए। वो लेना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाएं, मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आया हुआ है, वंचित नहीं रह जाएं। तो इस नए साल में क्या करेंगे, आपस में मिलकर के प्लान बनाओ, बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल, विशेष कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा उलहना तो कोई नहीं देवे, कैसा कि गोल्डन वर्ल्ड बनाने वाला बाप आया और आपने हमको संदेश भी नहीं दिया। तो आज सभी बच्चे नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं, बाप दादा एक एक बच्चे को देख करके क्या गीत गाते हैं जानते हो? वाह बच्चे वाह, जो पहली बारी आए हैं उनको भी बाप दादा कह रहे हैं कि बहुत लकी हो जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम गुना लकी बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखना चाहते हैं, जानते हो कौन सी बात है? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही हैं, बनेंगे नहीं बनने वाले ही हैं। तो जैसे आपका लक्ष्य है ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ आपके लक्षण भी देखना चाहते हैं। जो बाप दादा के लक्षण हैं वो आप में भी देखना चाहते हैं। 31/12/9 की अद्वैतवाणी का दूसरा पेज। जैसे बाप समान बनने का लक्ष्य है ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हो। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं चाहते तो बहुत हैं लेकिन .. तो ये लेकिन और .. निकल जाए, आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, आपकी चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे
लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी, कभी पुरुषार्थ किया ऐसा देखा ऐसा जाना, पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आ भी? नेचर नेचुरल देह अभिमान की रही, आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल हो जाए, जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि मैं देह अभिमान में आ जाऊं? ये पुरुषार्थ किया क्या? अभी भी देह अभिमान और देही अभिमानी, तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को मेहनत बच्चों की अच्छी नहीं लगती, मेहनत से मुक्त हो जाएं और नेचुरल बन जाए। इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो, आप समान बनाओ और खुद बाप समान बनना भी बहुत सहज हो जाए, फिर नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जॉन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार कराए रहे हैं और हम करण हार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो बाप समान बनना चाहते हो तो ये चेक करो, कुछ भी हो, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, ड्यूटीज तो हैं, लेकिन मैं करणहार हूँ, ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा है। तो ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल है तो नई बातें, क्या करूं, कैसे करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। ये शब्द अथवा संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे दो। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना, बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे आवाहन करते हैं, किसका? मेरा, माया कहती है।
बच्चे आह्वान करते हैं मेरा, तो मैं क्या करूं? तो आज विदाई के साथ साथ माया के भिन्न भिन्न रूपों को भी विदाई देनी है। इतनी हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है तो हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है। अच्छा, जो पीछे आए हैं उन पीछे वालों को हिम्मत है? इसमें हिम्मत हो वो हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत बहुत पदम पदम गुना बधाई देते हैं। क्यों क्यों बाप दादा इस बात पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालतें बिगड़ने में शुरू से ही जोर से जोर भर रही है। और बाप दादा का ये महावाक्य कुछ समय से चल रहा है। क्या है कि जो कुछ होना है अचानक होना है, तो अचानक होना है। और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ, अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता होती है ना? अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया, याद है? क्या होमवर्क दिया था? प्रैक्टिस पक्की करने के लिए होमवर्क दिया था। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्होंने तो सुना होगा। काम करते करते हर घंटे में 10 मिनट का ऐसा टाइम निकालो, 24 घंटे में टोटल 24 बारी ये होमवर्क दिया था। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है, तो सोचो अगर 10 मिनट का अभ्यास का नहीं हो सकता है तो अचानक में उस समय क्या करेंगे? बाप दादा जानते हैं 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की है कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं और कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते हैं अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा, नहीं हो सकता, जिसको हो सकता है वो करे। अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट ही करो, 5 मिनट से फिर 7 मिनट, चलो 6 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतना ट्रायल करो। बाप दादा खुद कह रहा है इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 करो, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो। कि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी भी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है वो आधा कल्प की प्राप्ति है, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। अगर अभी कम समय देंगे, जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। अगर 5 मिनट से ज्यादा करो, 10 मिनट नहीं हो सकता है 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी दे दी। लेकिन अगर कोई भी समय में 10 मिनट कर सकते हो तो और ही अच्छा है।
31/12/2009 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी करना पड़ेगा, किरणें देनी पड़ेंगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सकते हो, सोच में ही चला जाता है, तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहे कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, बाकी जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को अपने अपने समान दिए हुए हैं। कितने समान दिए? समान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए? कि बाप दादा ने समानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक समान में स्थित होकर के उस स्थिति में बैठ जाओ, चलो समान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ, तो बहुत मजा आएगा। समान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक समान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक समानों की लिस्ट दी है, उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं है जो इस समान को आपके सामने कम कर सके। और किसी को भी इतने समानों की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा कि सचयुग में तो राज्य भाग मिलेगा, लेकिन ये समानों की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे के समान की स्थिति को देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो समान की अथॉरिटी में रहो। क्या है समान? मैं आत्मा कौन? Who am I? तो समान में रहो, कभी कोई सा समान सामने रखो, कभी कौन सा समान सामने रखो और चेक करो। आज अमृत वेले जो विशेष समान बुद्धि में रखा, वो हमारे पास समान का खजाना है और उसको यूज किया, क्योंकि बढ़ाने का साधन है यूज करना। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, उतना खजाना बढ़ता जाता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास समान के स्मृति की माला पड़ी थी और कितनी बड़ी थी, किसके पास छोटी थी। जहां समान होगा वहां देवान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा, जैसे समान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण इस्तेमाल करो और उसको कार्य में लगाओ।
तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, माया आ गई, माया आ नहीं जाती है, लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुनाई दिया है कि माया कहती है, क्या कहती है, है मेरे को बच्चे ही आवाहन करते हैं, तब आती हूँ, ऐसे मैं नहीं जाती हूँ। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आवाहन किया, शक्तियों को छोड़ता है तो माया को आवाहन किया, चाहते नहीं है लेकिन माया आ जाती है, तो बलवान कौन हुआ? चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है तो माया बलवान हो गई ना, आप तो कमजोर हो गए। तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में क्या उमंग, क्या उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है, एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव का है, तो उमंग उत्साह है, हर दिन उत्सव है, इसलिए पक्का रखना, रोज अपना चलते फिरते चार्ट देखना, चेक करना, चेक करेंगे तो चेंज भी कर सकेंगे, चेक नहीं करेंगे तो फिर चेंज कैसे करेंगे। तो आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो, वैसे माया को भी विदाई दे दो, व्यर्थ संकल्पों को विदाई दे दो, क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं। संगम युग में बीज कौन सा है? संकल्पों का बीज है, चाहे श्रेष्ठ संकल्पों का बीज डालो और चाहे व्यर्थ संकल्पों का बीज डालो, ज्यादा विकारी संकल्प आते हैं या कम आते हैं, मानो हैं कम लेकिन व्यर्थ जो हैं उनका नाम निशान समाप्त हो जाए, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प ही नहीं चलता है लेकिन टाइम भी व्यर्थ चला जाता है और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है कि हम बाप समान बने, तो आपने जो हाथ उठाया है, लेकिन बाप दादा तो सदा कहता है कि मन बुद्धि का हाथ उठाना, ये हाथ उठाना तो बहुत इजी है, तो माया को विदाई देने की हिम्मत है? है हिम्मत? उठाओ हाथ। अच्छा, बहुत हिम्मत वाले हैं, बस अभी हिम्मत को कायम रखना, अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वो पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी आपके साथ है, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए, हाथ में हाथ दे के चले, शिव बाप निराकार हैं, उनको हाथ नहीं है, लेकिन कौन सा उनका हाथ है, है बुद्धरूपी हाथ में कैसे हाथ डालेंगे, श्रीमती ही उनका हाथ है, श्रीमत पर कदम कदम पर चलना है, अर्थात क्या करना है,
हाथ में हाथ देकर चलना है। तो सभी को नए वर्ष की, नवजीवन की और नए युग की, तीनों की पदम पदम गुनाया मुबारक स्वीकार हो। अच्छा, जो इस बारी नए आए हैं वो उठ करके खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत आए हैं, आधा संगठन तो नयों का है, तो आपको सभी नए आने वालों को सारे ब्राह्मण परिवार, बाप दादा सब की तरफ से मधुबन आने का मुबारक देते हैं, मुबारक है। 31/12/2009 की अभ्यतवाणी का चौथा पेज। मुबारक के साथ एक बात याद रखना, अभी कामन पुरुषार्थ का समय गया, अभी भी समय है। किस बात का? तीव्र पुरुषार्थ करने का अभी भी समय है, क्योंकि आप सभी लेट आए हो लेकिन बाप दादा के प्यारे हो, हैं? लेट तो आए हो लेकिन स्पेशलिटी क्या है, हैं? बाप दादा के क्यों, कोई कारण होता है? अरे ऐसे ही प्यारे हो, जो भी लास्ट में आए सो सब प्यारे हो गए, हैं? हाँ, इसीलिए प्यारे हो कि लास्ट सो फास्ट। लास्ट में आने पर भी अगर तीव्र पुरुषार्थी हो तो प्यारे हो। प्यारे होने का कारण क्या बताया? तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हो इसलिए प्यारे हो। तो आप टू लेट के बजाय लेट आए हो लेकिन टू लेट नहीं आए हो। तो बाप दादा खुश है कि फिर भी लग के समय पहुंच गए हो, इसलिए जो भी आए हो बाप दादा के प्यारे हो, इसलिए अभी साधारण चाल चलना नहीं पुरुषार्थ में। क्या करना है, हैं? उड़ना है। तो उड़ना तो फास्ट हो जाता है, तो उड़ती कला से आगे जा सकते हो। आपको ये मार्जिन है, किसी को तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। तो क्या करेंगे, उड़ेंगे? अच्छा, जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार की बातें हैं, आनी नहीं चाहिए लेकिन आ जाती हैं, क्योंकि पेपर तो होना है, तो क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बातें आवे तो क्या करेंगे? ऐसी आलतू फालतू व्यर्थ की बातों को बाप दादा को दे देना, देना आता है ना, लेना तो आता है। क्या व्यर्थ तो बातों का चिंतन करते रहते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है। तो लेना तो आता है लेकिन देना भी आता है ना, तो क्या करना? ऐसी आलतू फालतू बातें आवे, व्यर्थ बातें, व्यर्थ समस्याएं सामने आवे तो छोटे बन जाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी पापा आप ये संभालो, ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो,
तो फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय तो रखी है ना, तो छोड़ते छोड़ते फिर आ जाती है। लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या, देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आ गई ना, क्योंकि आपने तो पहले ही बाप दादा को दे दी, तो आपकी तो नहीं रही। तो अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी कि ये मेरी नहीं है, ये तो अमानत है, मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाएगा। क्योंकि अभी समय बहुत कम है और आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो जो भी नए आए हैं, बाप दादा उन्हों को लकी और लवली कहते हैं, जो आ तो गए, अभी मेरा बाबा तो कह दिया ना, हाथ उठाओ, जो कहते हैं मेरा बाबा, जो भी आए हैं मेरा बाबा कहते हैं, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है। तो आप पर अधिकार रख करके अमानत समझ करके बाप को दे दो, किसको दे दो, जिस पर अधिकार रखा है, क्या अधिकार रखा है, मेरा बाबा, अपने पास नहीं आने देना। अच्छा है, फिर भी बाप को खुशी है कि बाप को पहचान तो लिया, अभी सिर्फ ये ध्यान पक्का पक्का रखना कि उड़ना है, चलना भी नहीं है, उड़ना है। अच्छा, बहुत है ब्राह्मणियां जो है क्लास टीचर्स, उन्हों को भी अपने नए भाई बहनों के ऊपर क्षमा करनी है। हर सप्ताह इन्हों का हाल चाल पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सुना देना और उसका निवारण कर लेना, छोड़ नहीं देना, आया और गया, दिल में नहीं रखना। अच्छा, सारे परिवार को भी मुबारक, आज सेवा का टर्न गुजरात का है क्या, किनका है, किसको कहते हैं गुजरात, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई, कितने हैं, कितने हैं जिनके अज्ञान की रात गुजर गई, जो रोशनी रोशनी में रहने वाले रोशनी के आदि हैं, कैसे कैसे आठ ही हैं, और आठ हैं उनकी भुजाएं कटी हुई हैं क्या, अरे आठ हैं उनकी भुजाएं कटी हुई हैं क्या, कि भुजाओं के साथ हैं, अरे भुजाएं हैं कि नहीं, कितने होते हैं मददगार, नहीं भुजाएं कितनी गाई हुई है, एक एक को हजार भुजाएं गाई हुई है। ब्रह्मा का पार्ट बाप समान है ना, बाप दादा समान है ना, तो बाप दादा ब्रह्मा है तो बच्चे ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाले नहीं है, और ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाले हैं तो भुजाएं कितनी होंगी,
हजार भुजा वाले होंगे ना, उनको भी हजार पक्के सहयोगी होंगे ना, हैं? राजाई के क्वालिटी के होंगे कि प्रजा की क्वालिटी के होंगे? जरूर राजाई की क्वालिटी के होंगे। तो राजवर्ग में आने वाली जो आत्माएं हैं, अगर मुखिया आठ हैं, तो आठ मुखियाओं की कितनी भुजाएं हुई? 8000। तो बोला गुजराती कितने हैं? हैं? 8000। क्यों 8000? क्यों 16000? क्यों नहीं? अरे अरे आगे फाड़े के फाड़े ही रहेंगे। 8000 क्यों, 16000 क्यों नहीं? राज परिवार के 16000 नहीं होंगे? हाँ नहीं हाँ हाँ 8000 जिनकी बात हो रही है, वो 8000 बाप के बच्चे हैं। क्या राजाई पाने वाले हैं या रानी बनने वाले हैं? है राजाई प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। उनकी भुजाएं भी राज परिवार में आने वाली हैं। कंट्रोलर स्वभाव के हैं, किसी से कंट्रोल्ड होने वाले नहीं है। तो कितने गुजराती आए हैं लास्ट चांस में? कितने बताए? 8000 आए हैं। माने जो राजयोग सीखने वाले हैं, बाप से डायरेक्ट राजयोग सीख रहे हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई? हैं? 8000 हो गई। इतनी तो हो गई कि नहीं हो गई? तो बोला बाप दादा ने पहले भी कहा था, गुजरात अर्थात गुजर गई रात। उसकी निशानी क्या होती है? रात गुजरती है तो क्या निशान देखने में आती है? हैं? हैं? दिन देखने में आता है। अरे कोई बिजली की रोशनी कर दे, आजकल एयरपोर्ट पे चले जाओ यही नहीं पता चलता है कि रात है कि दिन, पता चलता है? अगर घड़ी न रखी जाए तो रात दिन एक हो जाएगा या अलग अलग दिखाई देगा? है? तो निशानी क्या होती है? अरे दिन भी किस आधार पर है? बाप दादा स्पष्ट दिखाई दे, दिन होता है तो सूर्य स्पष्ट दिखाई देता है। तो गुजरात में सदा ही आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने का उमंग उत्साह रहता है, रहता भी है और रहना भी चाहिए, क्योंकि गुजरात में भी है तो महाराष्ट्र में भी, लेकिन गुजरात में भी संख्या या सेंटर कम नहीं है। क्या है? अभी चलो चैतन्य सेंटर ही सही, चैतन्य संख्या ही सही, सारे भारत में देखा जाए तो गुजरातियों की संख्या ज्यादा है या कम है? हैं? हैं? कोई भी मिनी मधुबन में चले जाओ, वीसीडी तो आती है ना। अरे एडवांस में वीसीडी आती है कि नहीं? गैदरिंग देखते हैं ना हर महीने में दोनों जी। तो गुजरात में संख्या सबसे जास्ती है या सबसे कम है? हा?
यहाँ तो बोला है कि गुजराती में संख्या या सेंटर्स कम नहीं है, ये क्यों बोला फिर है? अरे कम सेंटर्स हैं या ज्यादा हैं? ज्यादा हैं। मैंने गीता पाठशालाएं या सेंटर्स मिला के ज्यादा हैं गुजरात में एडवांस के? एडवांस के नहीं। अच्छा विष्णु पार्टी खा गई होगी, क्योंकि विष्णु की भगत ज्यादा होने चाहिए ना है। अच्छा विष्णु की भगत डुप्लीकेट जो गुजरात होगा वहां ज्यादा होंगे या ओरिजिनल गुजराती होंगे वहां ज्यादा होंगे? तो डुप्लीकेट गुजरात कौन सा हुआ है? हद का हुआ डुप्लीकेट गुजरात, और बेहद का हुआ ओरिजिनल गुजरात, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई। स्थूल सूर्य की बात नहीं है, कौन से सूर्य की बात है? उनकी आंखों के सामने ज्ञान सूर्य कितने घोड़ों वाला, 7 मन बुद्धि रूपी घोड़ों वाला, वो रथ वाला कितने घोड़े हैं उसमें? 7 स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। हाँ कोई घोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो, कोई बड़ा सामने दिखाई दे रहा हो, 7 घोड़े हैं ना, तो कोई सामने दिखाई देंगे कोई पीछे दिखाई देंगे? कौन बताएगा भाई? सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, तो उसके 7 घोड़े कौन कौन से होंगे हैं? भुजाएं तो गिनाई दी। अरे बड़ी देर में याद आए हैं? तो गुजरात में संख्या या सेंटर्स कम नहीं है, ये जड़ सेंटरों की बात है या चैतन्य सेंटरों की बात है? चलते फिरते चैतन्य सेंटर्स ज्यादा हैं, कम नहीं है। तो गुजरात में सेवा तो चारों ओर है, गीता पाठशालाएं भी बहुत हैं, लेकिन अभी रहा हुआ काम क्या है? खास गुजरात में रहा हुआ काम भी है। अभी गुजरात को हरेक सेंटर, हरेक गीता पाठशाला की बात छोड़ो, कम से कम अपने अपने सेंटर के वारिसों की लिस्ट निकालनी चाहिए। क्या कहा है? हाँ गुजरात के जो सेंटर्स हैं चैतन्य हैं या जड़ हैं? है चैतन्य सेंटर्स हैं, वहाँ गैदरिंग ज्यादा होती होगी कम होती होगी है? जिज्ञासियों की वो चैतन्य सेंटर में ज्यादा गैदरिंग होगी ना, सेवा उनकी ज्यादा होगी या थोड़ी सेवा होगी? उनकी सेवा का रिकॉर्ड ज्यादा ही होगा, तो अपने अपने सेंटर के वारिसों की लिस्ट निकालनी चाहिए। वारिस स्टूडेंट क्वालिटी नहीं क्या? स्टूडेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें बाप दादा के वारिस क्वालिटी के कितने हैं? उन वारिसों की लिस्ट गुजरात में सबसे बड़ी होनी चाहिए। क्या वारिस कौन होते हैं है? अरे राजाएं होते हैं वारिस या रानी बनने वाले वारिस होते हैं? बाप बाप के वारिस है, हर राजा ही प्राप्त करने वाले वारिस होते हैं। बाप का वर्षा क्या है?
अरे चुप राजाई, तो राजाई का वारस क्वालिटी बनने वाले जो बच्चे ज्यादा हैं उनकी लिस्ट निकालो, क्योंकि बाप दादा समय की सूचना तो दे रहे हैं। समय अनुसार अभी नए वर्ष में ये भी सेवा में अटेंशन देना है। क्या है? अरे जब अष्ट मुखिया प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो उनकी जो भुजाएं हैं, राइटियस भुजाएं हैं, लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं, वो भी तो प्रत्यक्ष होनी चाहिए आंखों के सामने कि नहीं। हर एक आत्मा को अपने अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार होगा या नहीं होगा? और सिर्फ अपना ही होगा कि अपने जन्म जन्मांतर के जो परिवार हैं, संगी साथी हैं, संबंधी हैं, उनका भी होगा या नहीं होगा? अगले जन्मों में ही होगा या यही होगा? यही होगा। तो सभी जोन वालों को भी कहते हैं ये जोन में लिस्ट निकालो। क्या सिर्फ गुजरात जोन को ही नहीं कहते हैं? हाँ कहते सभी को, लेकिन गुजरात का नाम खास क्यों लिया? हाँ अरे कोई तो बेहद का जोन होगा जो हुए माई की पहचान में सबसे आगे जाएगा। तो राजयोग सीखने वाले राजाएं आगे जाएंगे या प्रजावर्ग में आने वाली आत्माएं आगे चली जाएंगी? हुए माई की पहचान में कौन आगे जाएंगे? राजाई प्राप्त करने वाले बाप के जो पहले पहले वारसदार हैं वो आगे जाने चाहिए। तो लिस्ट निकालो कि सभी जोन में से वारिसों की लिस्ट में नंबर वन कौन है? ढेर के ढेर जोन है, ढेर के ढेर जोनल इंचार्जेस हैं या नहीं? हद की ब्राह्मणों की दुनिया में हद के हैं और बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के हैं। तो उन वारसदारों की लिस्ट निकालो, क्योंकि अभी गोल्डन एज के लिए राजा ही तैयार करनी है। कौन सी राजाई होगी? है गोल्डन एज की जो पहली पहली राजाई होगी उसका नाम क्या है? उस बादशाही का नाम क्या है? विश्व की बादशाही। क्या और जो उनके जो वारसदार होंगे वो विश्व के बादशाह नहीं बनेंगे? और गुजरात जोन के जो वारसदार निकलेंगे क्या बनने वाले हैं? विश्व को कंट्रोल करने वाले बादशाह, विश्व के कंट्रोलर, छोटे मोटे जोन के नहीं, सारे विश्व के कंट्रोलर। तो तख्त पर तो अभी लक्ष्मी नारायण ही बैठेंगे, बैठेंगे तो एक ही, लेकिन अकेले लक्ष्मी नारायण संभाल लेंगे विश्व की बात सही है? जो विश्व का राज्य तख्त है उसके राज्य अधिकारी नहीं चाहिए है? कंट्रोलर नहीं चाहिए अलग अलग? अरे आठ दिशाओं में दुनिया फैली हुई है, विश्व फैला हुआ है, तो विश्व के कंट्रोलर भी
सारे विश्व में फैले हुए होने चाहिए या किसी एक जोन गुजरात में ही चाहिए है? सारे विश्व में चाहिए। तो जो बैठेंगे लक्ष्मी नारायण वो तो एक होंगे, लेकिन जो वहां की राज्य अधिकारी सभा है वो भी तो यहां बनानी है या बाद में बनावेंगे है? सचिव त्रेता तो आपर कलयुग में बनावेंगे या सारे विश्व को कंट्रोल करने वाले, क्योंकि हर युग में सत्य नेस्त नाबूद हो जाता है या कुछ न कुछ रहता है सारी दुनिया में। सत्य का कभी नाश तो होता नहीं, तो सत्य को सपोर्ट करने वाले जो असली सच्चे बाप के बच्चे हैं वो कहां प्रत्यक्ष होने चाहिए? अभी प्रत्यक्ष होने चाहिए। रायल प्रजा भी बननी है क्या? जो पहले जन्म की प्रजा है उस प्रजा की भी विशेष क्वालिटी है। क्या क्वालिटी होगी? जो और जन्मों की प्रजाओं में वो क्वालिटी नहीं होगी। क्या क्वालिटी? यथा राजा तथा प्रजा, वो तो ठीक है फर्स्ट क्लास होंगे ही, लेकिन यथा राजा माने किस प्रकार का राजा में विशेष क्वालिटी क्या होगी और उसकी प्रजा में क्या विशेष क्वालिटी होगी है? किस बात की रॉयल्टी? हाँ, ज्ञान माने सच्चाई। किस बात की सच्चाई है? किस बात का ज्ञान? सत्य का ज्ञान या असत्य का ज्ञान? सत्य का ज्ञान। सच्चाई क्या है इस बात का ज्ञान। तो रायल प्रजा भी बनानी है और साधारण प्रजा भी बनानी है। तो ऐसे वारस बनाओ जो संपर्क संबंध में भी अभी अभी नजदीक हो और वहां भी नजदीक हो, चारों युगों में नजदीक हो। क्या यहां संगम युग में भी नजदीक हो, नजदीक संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले हो, दूर दराज के अनुभव न हो। जो वारस होगा उसकी निशानी क्या होगी? जो बाप के वारस होंगे उनकी लिस्ट निकालनी है हरेक को, उनकी निशानी क्या होगी? कोई निशानी होगी या नहीं? पहली पहली निशानी बनाओ, बताओ है? थोड़ा सा सुनेंगे? अच्छा, जो ज्यादा ज्यादा सुने और मोल्ड ना हो जाए हैं, वो वारसदार नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे हैं? हैं? नहीं नहीं, बात यह आई कि जो वारस होंगे, वारसदार होंगे, उनकी स्पेशल निशानी क्या होगी? कैसे पता चले नष्ट हुआ है या नहीं? उनकी निशानी होगी बाप को पहचान कर बाप की श्रीमत पर चलने वाले। पहली पहली निशानी क्या होगी? बाप को पहचान कर बाप की श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया।